हे गाइस, वेलकम टू रेसलिंग चैनल। तो गाइस, हमारे कोडी रोड्स पे क्या अटैक करने वाले हैं अंकल? हाउडी। एंड गाइस, हमारे लोगन पॉल ने एक फैन पे झिड़क दिया है। और गाइस, हमारे साथ फिगर ऑनर्स क्या बनने वाले हैं न्यू चैंपियन? एंड मनी इन द बैंक क्या स्पॉइल्ड हो चुका है? तो गाइस, बहुत सी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात है कि क्या अंकल हाउडी अटैक करेंगे कोडी रोड्स पे? एंड कोडी रोड्स पे अटैक होगा अंकल हाउडी का बिकॉज ऑफ रीजन, जेट केबल पर उन्होंने इसलिए अटैक किया बिकॉज ऑफ रीजन, वो दिख रहा था। तुमने सॉरी बोलना छोड़ दिया, तुमने थैंक यू बोलना छोड़ दिया। एंड गाइस, वो थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा था कि जेट केबल पे अटैक होगा, तो वो सेम चीज जिस पे आ रही है, तो क्या सब पे अटैक होगा? ये चीज मानी जा रही है कि अंकल हाउडी का ग्लिच जिस बंदे पे आ रहा था उस बंदे पर अटैक होगा, और उस बंदे पे ब्रूटल अटैक होने वाला है बहुत जल्दी। बिकॉज ऑफ रीजन ग्लिच या सेथ रॉलिंस पे भी आया था, ब्लड लाइन पे भी आया था, बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पर ग्लिच आए थे, QR कोड आए थे, तो माना जा रहा है कि वहाँ पर अटैक हो सकता है। एंड बहुत जल्दी आपको देखने मिल सकता है वाइट फैक्शन की तबाही, वाइट फैक्शन की डिस्ट्रक्शन। जो भी उनके रास्ते में आएगा वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं, डिस्ट्रॉय कर देंगे, खिला देंगे। एंड ये चीज़ होने वाली है बहुत जल्दी, माना तो यही जा रहा है कि हाँ, वाइट फैक्शन को एक नेक्स्ट लेवल तक बिल्ड किया जाने वाला है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गई, वो जुड़ी लोगन पॉल से। लोगन पॉल लॉन्गेस्ट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन चुके हैं, उन्होंने 200 डेज का रेन पूरा कर लिया है। बट हाँ, डिफेंस कम किया है उन्होंने, डिफेंड टाइटल को बहुत कम किया, जिसके बाद एक फैन ने कहा है कि टाइटल लॉन्ग चैंपियनशिप तो अच्छा है लेकिन टाइटल डिफेंड बहुत कम है। तो लोगन पॉल ने उस पर यह कह दिया कि भाई, आई एम अ स्मार्ट वे टू वर्क, कि मैं स्मार्ट वे से वर्क करता हूँ। लेकिन माना ये भी जाना चाहिए कि लोगन पॉल इज अ सेलिब्रिटी एंड उन्होंने टाइटल डिफेंड कम किया है, लेकिन वो लॉन्गेस्ट चैंपियन बन चुके हैं, 200 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। एंड बाकी देखो अब उनका क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी कल के स्मैकडाउन शो से, जो नेक्स्ट स्मैकडाउन शो होने वाला है। तो नेक्स्ट स्मैकडाउन शो में गाइस सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है, सोल्ड आउट हो चुका है स्मैकडाउन शो। एंड CM Punk आने वाले हैं स्मैकडाउन शो पे, तो गाइस बहुत बड़ी चीज़ रिवील करने वाले हैं। बिकॉज ऑफ रीजन वो आएंगे शो पे एंड सबसे बड़ी चीज़ रिवील करेंगे। उसके बाद क्या ड्रू मैकइंटायर, तो गाइस उसके बाद क्या ड्रू मैकइंटायर आएंगे और सबको बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि ड्रू मैकइंटायर रिटर्न करेंगे और अटैक कर देंगे जस्ट बिकॉज वो इंजरी के कारण बाहर गए हुए हैं। एंड जैसे उनका वो क्लियर होता है तो वो रिटर्न करेंगे एंड तबाही ला देंगे CM Punk के लिए। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस, वो जुड़ी है हमारे सेथ फ्रीकन रॉलंस से। सेथ फ्रीकन रॉलंस क्या गाइस जीतने वाले मनी इन द बैंक में टाइटल? तो गाइस माना जा रहा है कि अगर वो जीते हैं, फिलहाल तो नहीं लग रहा कि हाँ डेमियन प्रीस को राइज करवा के ऐसे हरवा नहीं देंगे। बिकॉज ऑफ रीजन, अगर डेमियन प्रीस हार रहे हैं या सेथ फ्रीकन रॉलंस जीत रहे हैं, तो ड्रू मैकइंटायर CM Punk या सेथ रॉलंस का मैच बन सकता है। लेकिन अगर नहीं जीत रहे तब भी ये मैच बनेगा, बिकॉज ऑफ रीजन डेमियन प्रीस को नेक्स्ट लेवल तक बिल्ड करना चाहती है WWE। अगर हरवाना होता है क्लैश ऑफ द कैसल में ना हरवा देते, अभी क्यों हरवाना है? तो बिकॉज ऑफ रीजन आई थिंक डेमियन प्रीस नहीं हारने वाले मनी इन द बैंक में, बिकॉज ऑफ रीजन डेमियन प्रीस को हाइप देने के लिए ये मैच फिक्स किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें बेस्ट वे से बुक करने के लिए। हाँ, हार भी सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है कि वो हार सकते हैं, जीत नहीं सकते। एंड गाइस, मनी इन द बैंक क्या हो चुका है स्पॉइल्ड कि जे उसो जीतने वाले? बिकॉज ऑफ रीजन जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है कि जे उसो हार सकते हैं मनी इन द बैंक या जीत सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो अभी बैटिंग ऑर्ड्स आएंगे, कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा उसमें सब पता चल जाएगा। बाकी ये अपडेट थे, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।